रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत बांधी में ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार द्वारा विराट इनामी दंगल का आयोजन कराया गया। ग्राम प्रधान बांधी में बीते एक साल से दंगल का आयोजन ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार की देखरेख में कराया जा रहा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, अयोध्या, दतिया, मध्य प्रदेश और अन्य जगहों से पहलवान अपनी पहलवानी दिखाते आए हुए थे। और बांधी में आयोजित इस विराट इनामी दंगल में बांधी, देवधार, रामनगर, भमरी, रेपुरा तथा आसपास से हजारों की तादाद में लोग दंगल का लुत्फ उठाने आए हुए थे। लोगों में काफ़ी हर्षोल्लास दिखा। पत्रकार समाज कल्याण समिति की महिला विंग जिलाध्यक्ष रमा मिश्रा द्वारा चित्रकूट के नामी नामी पहल दीपक पहलवान और दतिया मध्य प्रदेश के नामी पहलवान का हाथ मिलाकर 5,000 की कुश्ती का शुभारंभ करवाया, जिसमें चित्रकूट के नामी पहलवान दीपक पहलवान की जीत हुई। दीपक पहलवान उत्तर प्रदेश के नामी नामी राजकरण पहलवान का सुपुत्र है। राजकरण पहलवान का नाम पहलवानों में काफ़ी मशहूर है और दीपक पहलवान उस राजकरण पहलवान का सुपुत्र है जो 5 से 7 सेकंड में ही पहलवानों को धूल चटाने का दम रखता है। शैतान सिंह भागलपुर के पहलवान द्वारा दीपक पहलवान और राजकरण पहलवान को खुलेआम चुनौती दी गई। इस कुश्ती को हाथ मिलाने के लिए मीरा भारती जिला पंचायत सदस्य मौजूद रही। मीरा भारती जिला पंचायत सदस्य ने 11,000 की कुश्ती का हाथ मिलाकर शुभारंभ किया और उत्तर प्रदेश के नामी नामी पहलवान राजकरण पहलवान, जिसके पास पहलवानी में चांदी का गुच्छा भी है, द्वारा शैतान सिंह भागलपुर पहलवान को 5 से 7 सेकंड के अंदर ही पटक दिया गया। इस 5 से 7 सेकंड की कुश्ती में राजकरण पहलवान की एक ही दांव में जीत हुई, जिसमें जनता में काफ़ी हर्षोल्लास दिखा और जनता द्वारा राजकरण पहलवान को अपने हाथों से जमीन से उठा लिया गया और इस कुश्ती ने ग्राम पंचायत बांदी के अखाड़े में अलग ही कार्ड बना दिया। किसी पहलवान ने 5 से 7 सेकंड में ही कुश्ती को समाप्त कर दिया। चित्रकूट जनपद में बेहतरीन पहलवान जिनके पास चांदी का गुंज है, मैं इनको बधाई दे रहा हूँ। खबर भारत वर्ष के लिए चित्रकूट यूपी से रमा मिश्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।